मुझे ऐसे होता है प्रेमिका ने प्यार तुरंत प्यार तुरंत प्रेमिका को प्यार हो गया, हाँ ठीक है कॉमर्स चलेगा पर उसमें बीएमएम करूंगी आगे। और मेरे मार्क्स देखती है, यू वांट 74% में बीएमएम, यू वांट इवन गेट पिक अप, बट आई डोंट पिक अप माय वॉइस, माय वॉइस इज पिक मी अप। हाउ? कोई जानने नहीं, किसी दिल्ली का एक्सेंट आया मेरे में, किसी इंसान से मैं बात करूं तो वो ऐसे ही बात करे, तो मेरा एक्सेंट चढ़ गया। लड़कियों को क्या चाहिए, नहीं चाहिए हमको तुम्हारा पैसा, कौन बोल रहा है गोल्ड डिगर है भाई साहब, नहीं गोल्ड डिगर। टेल मी व्हाट आर योर प्लान्स आज रात की, यू ड्रिंक? लकी तो मैं होंगी। हेलो पीपल ऑफ इंटरनेट, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बदमाश बातें। टुडे वी हैव चांदनी विद अस एंड पॉपुलरली नोन एज चांदनी मिमिक गाइस। तो क्या बात, हाँ हमारा ना ओपनिंग क्वेश्चन होता है एक पेटेंट। सो चांदनी, व्हाट डू यू डू, व्हाई डू यू डू, हु डू यू डू, हु डू व्हाट, हु डू यू डू, आई डू नोबडी। ओके, तो बाकी भी आप जवाब दे सकते थे पहले। सवाल लास्ट में इंटरेस्टिंग ज्यादा था ना, तुमने रखा इसलिए चुप रहो तुम, पता है तुम्हें आए बड़े। व्हाट डू आई डू यार, आई एम एन आर्टिस्ट फॉर लाइफ, दैट इज हाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, वंस एन आर्टिस्ट फॉर एवर एन आर्टिस्ट। एंड फिलहाल वीडियोज बना रहे हैं, बस ये जो भी अभी जो भी मतलब फ्लो में जो भी चलता जो हो रहा है मतलब कर लेते हैं। एंड व्हाई डू यू डू, मजा आ रहा है। आई थिंक मेनली मजा आ रहा है, आई लाइक द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन बचपन से। सो लाइक व्हेन डिड यू गेट इनटू दिस कंटेंट? 2016 कंटेंट, हां मिमिक्री बचपन से। Oh, बचपन से हर पड़ोसी को कॉपी करना, हर टीचर को कॉपी करना इज माय वाज माय सेकंड नेचर लाइक। तो आपको ऐसे बड़े लोग बोलते नहीं थे कि नहीं ऐसे नहीं करते बच्चे? हाँ, बहुत वो सब डांट खा के मैंने किया। पर बाद में एक वो हाई पॉइंट आ गया था, वो थोड़ा सैड स्टोरी रहने देते हैं। अच्छा, बुली हो गया था स्कूल में, टीचर ने सब ने बुली कर दिया था, मतलब इसके ऊपर मिमिक्री के ऊपर। इंसान सारे अच्छे ही होते हैं, सब में अलग अलग खूबियां और खामियां होती है, लेकिन देखने के नजरिए से होता है। खैर, अब आपकी आवाज अनोइंग है, आपको भी पता है यार, चलो लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट। तो तुम अपनी आवाज वापस सुन रहे हो और तुम्हें अनोइंग सी साउंड कर रही है, तुम ऐसे लग रहा है ओ माय गॉड ये मैं नहीं हूँ, हाउ डेयर यू डू दिस, दीदी आई जस्ट डिड इट परफेक्ट। अच्छा, ओ मैंने उनको लगा ना, उन्होंने सुना मैंने मेरे ही मिमिक्री करते, मैंने उनकी मिमिक्री करी, आर यू मेंटल, कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, व्हाई आर यू हियर, व्हाट वॉशरूम, नो वॉशरूम। तो उसको लगा कि ओ माय गॉड व्हाट आई साउंड सो अनोइंग नाउ, अब मैं इस लड़की को मजा चखाऊंगी। तो अभी तो तुम अपनी आवाज बदल लो ना, तुम ऐसे भी तो कह सकती हो व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, कितनी प्यारी टीचर बन जाएगी, पर नहीं करना उसे। एंड देन शी इज आल्सो लाइक कि वो कुछ मार्क्स वार्क्स में बढ़ा से निकाली कभी? अरे वो तो उन्होंने मुझे कह दिया इंटरनल्स हम तुमको देंगे ही नहीं, मैंने कहा चाहिए भी नहीं, रखो। सो ऊपर से ये तो कुछ नहीं, मेरे पास तो बहुत फनी स्टोरी है। हाँ बताओ। 10वीं में 5 दिन पहले कुत्ते ने और काट लिया मुझे, वो एग्जाम्स के, हाँ बोर्ड एग्जाम्स के 5 दिन पहले मुझे कुत्ते ने काट लिया। तो मतलब मेरा तो यहाँ ये बुली कर रहे हैं बैठ के, यहाँ पे ये सब चल रहा है, ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब हुआ पड़ा है और वहां पे कुत्ते ने और काट लिया, और वे तो कुछ नहीं, चलो कुत्ते ने काटा तो काटा ठीक है, पर गाइज अगर आप मारवाड़ी घर से बिलोंग करते हो तो आप अपने घर वालों को कन्विंस कर ही नहीं सकते कि आपको कुत्ते ने काटा है। क्यों? मम्मी कह रही, मम्मी कह रही हो ही नहीं सकता, पता नहीं मेरे को क्या पता। सो आई वाज यहाँ है नहीं बोला आपने, नरेट द स्टोरी। द स्टोरी इज की मैं फोन पे बात कर रही थी और मेरे एक हाथ में ब्रेड था, मैं ऐसे ऐसे फोन पे बात करते ऐसे ऐसे ब्रेड लेके चलती, उसको पता नहीं क्या हुआ वो भौंका, तो मैंने उसको ऐसे देखा, मैंने कहा मैं उसको क्यों कह रही हूँ कि मैं कॉल पे हूँ, मैं खुद क्यों कह रही हूँ मैं कॉल पे हूँ, तो मेरे पास भौंक ठीक है, और मैं ऐसे ऐसे चल रही हूँ, सडनली पीछे से सब शांत हो गया, बैकग्राउंड म्यूजिक, और किसी ने आके से काट लिया है, और काट के मुझे लगा उसको ब्रेड खाई, तो ब्रेड तो नीचे गिर गई, मैं गिर गई सब गिर गए, तो उसने ब्रेड भी नहीं खाई, ब्रेड भी छोड़ के चला गया। मेरी बिल्डिंग का वॉचमैन इतना तो पतला सा लड़का, बिल्डिंग का वॉचमैन ठीक है, एकदम ऐसे नया नया शादी किया हुआ ठीक है, और उसकी बीवी ब्लाउज सिल के पहनती है,
ऐसी उसकी मस्त हॉट वाइफ थी उसकी जेन्युइनली, और वो मतलब उसको लायक नहीं था उसकी बीवी के, सही पूछो तो मतलब वो उस क्या ही कर रहा था, वो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। मैंने कहा मम्मी को, मैं यहाँ गिर गई हूँ ठीक है, मम्मी को आवाज़ दे, मम्मी को आवाज़ दे, अभी ड्यूटी छोड़ के जाएंगे तो सेक्रेटरी डांटेगा, अभी आप बोल रहे हो मम्मी को आवाज़ दे। मैंने कहा मुझे कुत्ते नहीं काटे, मम्मी को आवाज़ दे। अरे पर आप समझ नहीं रहे, और ये हमें कॉन्वर्सेशन कैसे कर रहे हैं, मैं गिरी हुई हूँ, उसे दिख रहा है, वो मेरे सामने है। अभी नहीं भाई, नहीं भाभी को अपने आप ही बुला लो। एंड फिर मैंने कहा अरे यार चल ठीक है कोई बात नहीं यार, नॉट द फर्स्ट रिजेक्शन। जॉब पे तो भाई बंदा वो था कमिटेड था, मतलब इतना कमिटेड तो ग्रीन फ्लैग्स भी नहीं होते आजकल के। खैर तो मैं जैसे तैसे गई, और नीचे एक आंटी हमारी एक वो थी जोधपुर वाली आंटी, तो वो आई कहीं उग्यो सा कहीं, अरे कुत्त काट के लाला चल घर चल, ऐसे करके वो आंटी मुझे घर लेके गई। उन्होंने देखा, उन्होंने एक्चुअली जब देखा तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि हाँ कुत्ता काट चुका है, वो निशान वैसे हाँ हाँ प्रॉपर मांस वांस निकाल लिया, खून बह रहा है एंड ऑल दैट टिपिकल। ये सब स्टोरीज ऐसे सुना रहे हैं, मेरा डर नहीं लगता पता है, जब आपके आजू बाजू डॉक्टर्स बहुत सारे आ जाए ना। डॉक्टर इट्स वेरी इनसाइड जोक। ओह अच्छा, मैं कहीं एक सेकंड, मुझे समझ क्यों नहीं आया ये, बढ़िया। नहीं नहीं वो भी आएंगे स्टोरी पे, तुम्हें बहुत स्टोरीज दे दूंगी मैं, तुम आराम से काटते रहो इसमें से रील्स ठीक है। She knows it. I know it. I just know it. I'm helping you. तो मैं पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो बीच में तुम्हें बोलना पड़ेगा कि यहाँ अभी दूसरा कुछ बताओ ठीक है परफेक्ट। तो वो आंटी ने देखा कुत्ते ने काट लिया है ठीक है। अब फिर वो मम्मी ने मम्मी को बुलाया, मैं ऊपर गई तो मैंने मम्मी को, मैं कह रही हूँ कुत्ते ने काट लिया, मैंने तो देखा है ना। शी इज लाइक, और मम्मी सबको घर में कह रही है कि इसको लग गई, इसको अज्यूम हो रहा है, भ्रम हो रहा है इसको। एंड देन हम डिसाइड करें हम कहाँ जाए, कौन से डॉक्टर के जाएँ। तो हम पहले हेल्थ केयर में चले जाएँ, ब्लड टेस्ट होता है, तो वहाँ बोले हमारे यहाँ हम कुछ नहीं करते, सुबह 8 बजे आइए। कुछ नहीं करते मतलब हम ये कुत्ते का नहीं अच्छा, देखते। ओके ब्लड टेस्ट ही हाँ, जैसे हमसे ब्लड टेस्ट करते हैं, हमारे डॉक्टर नहीं आते। मैंने कहा क्यों ही खोल के रखा है फिर आपने। तो फिर बाजू में एक डॉक्टर, उसने बोला कि आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इसे मतलब 5 मिनट 4 मिनट वॉकिंग था, अभी वो कुत्ता काट चुका है, मुझे वहाँ से खून आ रहा है, यहाँ मैं गिर चुकी हूँ तो मुझे घुटने से खून आ रहा है। मेरे मम्मी ने कहा, मैंने मम्मा ऑटो 17 रुपये लग जाएंगे। मैंने कहा मम्मी सही में काटा है, अभी पहुँच जाएंगे, तू आंख बंद करते करते चल ले, कुछ नहीं कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसा चल ले। मैंने कहा मम्मी सही में काटा है, मेरे से नहीं चला जा रहा। मैं एक पैर पे चल के गई, तो इस पॉइंट तक मेरी मम्मी को बिलीव नहीं हो रहा मुझे कुत्ते ने काटा है। शी इज लाइक, कोई चांस ही नहीं इसको कुत्ता काट सकता है, क्यों काटेगा, उसका काम धंधा नहीं है क्या ठीक है, और तुझे क्यों काटेगा ऐसा क्या करे। मतलब वहां पे मैंने डॉक्टर को मैं कह रही हूँ कि कुत्ता काट लिया है, तो मेरी मम्मी उसको ऐसे ऐसे कर रही। मैंने कहा मम्मी वेट, मैं बैठी हूँ, मैंने दिखाया। तो फिर मम्मी एकदम शॉक में थी, सही में काट गया कुत्ता। मैंने कहा मम्मी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सुबह के 8 बजे आपके साथ में बैठ के प्रैंक करूंगी कि मुझे कुत्ते ने काटा है। नहीं एक सेकंड, पर सुबह 8 बजे आप बाहर, अरे ब्रेड लेने भेजा था ना मुझे। अच्छा ब्रेड लेने भेजा था ना ठीक है। तो डॉक्टर कहता है हाँ ये तो कुत्ते ने काटा है, अब आप वापस घर जाओ। मैंने कहा क्यों, आप इसको लाइफ बॉय से धोखे लेके आओ। मैंने कहा आई अंडरस्टैंड कि आपका प्रमोशन चल रहा है लाइफ बॉय का, बट पेशेंट इन इमरजेंसी राइट नाउ, आप इसको ऐसा लो, इसको लाइफ बॉय, सिर्फ लाइफ बॉय से धोना, दूसरा कोई साबुन मत ले लेना। मैंने कहा ओके ठीक है सही है, मतलब आई सपोर्ट लाइफ बॉय इन दैट केस, और ऐसे ऐसे धोना उसको जब तक फ्रेश ब्लड बाहर ना आए। अब मेरे को क्या पता कौन सा फ्लैश था। मैंने कहा ठीक है भैया सही है, फिर मम्मी आके धो रही है और फिर रो रही है। मैंने कहा अब क्या, आपको तो विश्वास ही नहीं था कुत्ते ने काटा है, अब दो अच्छे से, अब करो अब। यहाँ यहाँ काटा है, यहाँ पे अब भी निशान है। हाँ हाँ अभी भी निशान है, वेरी विजिबल। ओ ठीक है, और फिर मेरे यहाँ पेपर और यहाँ सुई लग रही है, एक में लगा टीटनेस का, एक में लगा वो रेबीज वाला, और रेबीज वाला इंजेक्शन ऐसा होता है ना, पता नहीं उसको लेते ही जैसे नींद सी आती है। और मेरे को यहाँ जाना है बोर्ड देने, और ये सबके बीच में मुझे आए 72%। लेट्स गो, सही है ये तो।
और वो भी इंटरनल उन्होंने खा लिए हाँ. है ना वो मिमिक्री हाँ ठीक है मिमिक्री पॉइंट्स कट गए थे वहाँ पे मिमिक्री पॉइंट्स कट गए मेरे यहाँ डॉगी भाई साहब ने सोचा कि अरे थोड़ा और हम कंट्रीब्यूट कर हाँ हम कंट्रीब्यूट कर दे नहीं मुझे भी एक बार मेरे को बस डर लग रहा था कि साइंस गलती से भी मैं ये नहीं हो जाऊँ उसमें मेरे को साइंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी मुझे कुछ समझता ही नहीं आज भी कुछ नहीं समझता साइंस में बट खैर अब तो मुझे अच्छा लगता नहीं लगा साइंस अब तो मुझे बहुत इलेवन ट्वेल्थ में क्या था कॉमर्स कॉमर्स लिया था मैंने और मैथमेटिक्स नहीं ली थी एसपी ली थी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी सब्जेक्ट होता है हाँ क्या होता है मैथमेटिक्स के बदले ऑप्शन होता है तो अच्छा दो दो चार तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा हम तो आर्ट्स वाले क्या जाने आर्ट्स तो करने नहीं घर वालों ने आर्ट्स पागल है क्या आर्ट्स तो सभी करते हैं सभी करते हैं मतलब क्या होता है पापा नहीं आर्ट्स नहीं वो तेरी मम्मी आर्ट्स वाली है तो बोलेगी तुझे कन्विंस करेगी लेकिन तू मेरी बात मान मैं कॉमर्स वाला हूँ टीम्स हो रहे हैं टीम चल रहा है फिर पापा ने कन्विंस कर लिया कॉमर्स ले मैंने कहा ठीक है ले लेते कोई स्ट्रेस नहीं या बट तो ग्रोइंग अप जैसे नाउ आपने कॉमर्स लिया बट आइडियली आपके दिमाग में क्या था कि मुझे करना क्या है बीएमएम आई वाज प्रीटी श्योर मैं कॉमर्स बीएमएम बैचलर्स ऑफ मास मीडिया मैंने कहा कॉमर्स मैंने कहा सही है कॉमर्स ले लेती हूँ फिर हाँ. मैंने उनको कन्विंस कर लिया हाँ हाँ ठीक है कॉमर्स चलेगा पर उसमें बीएमएम करूंगी आगे हाँ. तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कर लेना ऐसे मुझे पागल बनाया भाई पागल बनाया मेरे को एक्चुअली बीएमएम लेने नहीं दिया मुझे फिर 12वीं का खत्म हुआ परसेंटेज हाँ. अभी तो कोई समझाता नहीं एडमिशन प्रोसेस क्योंकि 10th में आप दे देते हो ना फिर अपने अपने आप कॉलेज अलॉट होता है ना राइट मैंने सेम चीज 12th में भी करी पर 12th में ऐसा नहीं होता 12th में आपको ऑफलाइन जाके देने का पड़ता है मुझे नहीं पता अच्छा, तो निकल गए फॉर्म सबके और मैं बैठी हूँ मैंने कहा पता नहीं कब अलॉट होगा कब अलॉट होगा अलॉट ही नहीं हो रहा है फिर बाद में मुझे अभी तो फ्रेंड्स थे ही नहीं खैर वो भी बुली कर रहे थे ना तो मैं तो किसको ही पूछू फिर किसी एक भले इंसान ने मुझे कहा कि चांदनी क्या कर रही कौन से कॉलेज में गई अभी तो अलॉट मैंने कहा अलॉट नहीं होता इसमें जाना पड़ता है मैं कहा है ऐसा है क्या 11वीं 12वीं के लिए तो ऐसे होता था ना बोले नहीं इसमें जाना पड़ता है तो निकल गया चांस ठीक है और बीएमएम फिर मेरे को लेना था तो 74 आए थे मुझे 12th में तो उन्होंने कहा 74 में तो आपको कोई बीएमएम ना दे मैं कॉलेज में गई वेरी वेल नोन फॉर बीएमएम मुझे दिखती है और मेरे मार्क्स देखती है यू वांट 74% में बीएमएम यू वोंट इवन गेट पिक कॉम खैर कोई बात नहीं वो कॉलेज वालों ने मुझे बुलाया बाद में फेस्ट में अभी वापस बीएमएम जज करने के लिए तो वो बात तो खैर नलीफाई तो हम कर ही नहीं ना मिला एडमिशन कहाँ देगी ना फिर मेरे पापा ने बोला ये सब छोड़ हाँ. मैं कहा बीकॉम नहीं पागल बीकॉम तो ये भी कर रहा है कोई ऐसे ही किसी को पॉइंट कर दिया मेरे पापा ने रास्ते चलते ये भी कर रहा है बीकॉम तेरे में उसमें डिफरेंस क्या रह गया फिर ओके तो मैं क्या तू लॉ कर मैं कहा क्यों तू कर मैं कह रहा हूँ बिकॉज ही इज अ लॉयर ही इज अ क्रिमिनल लॉयर ठीक है और प्लस एस्ट्रोलॉजर व्हाट अ कॉम्बिनेशन क्रिमिनल लॉयर एंड एस्ट्रोलॉजर तेरी कुंडली और मेरा लॉयर दिमाग दोनों कह रहा है तुझे लॉ करना चाहिए मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है अपने आप बन जाता है इट्स लाइक अरेंज मैरिज यू नो लाइक आपको प्यार हो जाएगा मैंने कहा ठीक है सही है कर लेते तो मैंने सीटी दे दी रोते रोते अब मुझे लगा मैं नहीं होऊंगी पास जिस तरह से मैंने पेपर दिया था राइट मैंने उसी लिए दिया था कहता कि नहीं हो पास पर मैं हो गई और फिर लॉ भी हो गई 5 साल की लॉ भी कर ली हाँ बिना एटी के एक सिंगल बैग के बिना यार बढ़िया है हाँ तो उनका कंडीशन था हाँ. वो तो मैंने कहा चलो ठीक है तो उनको डिग्री गिफ्ट कर दी फिर मैंने कहा ये आपकी डिग्री तो नाउ लाइक यू आर अ लॉयर आई एम अ लॉयर यार ओ ये नहीं पता था मुझे अभी पता चल गया ना हाँ आई एम अ लॉयर मेरे को लगा और मेरे को सबसे ज्यादा पता है किसमें आई लॉ में फाइनल ईयर में लॉ ऑफ मेडिसिन आई थिंक इट्स डेस्टिनी क्या बात है मतलब जिस साइंस से दूर भाग रहे वही साइंस मुझे अपने पीछे खींचता चला है क्या भाई बट नहीं यार मेरे को सही में नहीं पता था दैट यू आर अ लॉयर तो फिर इसके साथ ही यू आर डूइंग हां सब साथ में इसके साथ इफ यू डोंट माइंड 24 हम सेम एज के क्या बात कर रहे हो क्योंकि आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 16
बिकॉज आपने भी 5 साल लॉग है ना, मैं तो मेरे से बड़े ही लग रही है फिर तो. नहीं नहीं नहीं, I started working when I was 16, मैंने जॉब भी करी मार्केटिंग में. मैंने कहा नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा. इसलिए जब लोग कहते हैं ना कि यार मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि आप कम से कम 4-5 चीजें ट्राई तो करो. बिना ट्राई किए आप बोल रहे हो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है. मैंने जब कर लिया ना लॉ, तब मुझे 100% पता चल गया कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं. ये तो मैं कर ही नहीं सकती. मेरे को नहीं होते मेरे से झगड़े, भाई साहब मेरे से झगड़ा मत कराओ. हाँ, और मैं क्यों डिफेंड करूँ जबरदस्ती, क्यों नहीं करना मुझे, मेरी मर्जी. तो दैट वॉज वेरी श्योर. फिर मैंने मार्केटिंग में जॉब करी, जो बैठ के जॉब करना पड़ता है. तो मैंने कहा अरे, और मैं 1 महीना करी, मैंने कहा नहीं हो पाएगा. उन्होंने ही निकाल दिया. वॉइस ओवर ट्राई किया, थोड़ा सा डबिंग ट्राई किया. डबिंग में इतना फन नहीं लग रहा था, मजा नहीं आ रहा, पैसे इतने नहीं थे. फिर मैंने कहा यार मजा तो सिर्फ क्रिएशन में आ रहा है. डबिंग एज इन किस में? सिर्फ मैंने से वो डबिंग के भी ना, मतलब ऐसे एक हाथ कुछ किया है, मतलब कोई कुछ एग्जांपल जैसे. अरे वो नहीं, इंग्लिश को हिंदी में डब करते हैं. अच्छा, राइट. पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो काम. तो मैंने 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 बोला मेरे से काम हो ही नहीं पाएगा अच्छे से, तो आप रहने दो, मेरे से मत कराओ आप ये काम. फिर हाँ, ये सब करते करते देन आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस ओनली, दिस इज व्हाट आई लव डूइंग द मोस्ट. एंड देन आई जस्ट, इट वाज वेरी 3 इडियट सीन, यू नो, आई गिव यू 5 इयर्स, नाउ यू गिव मी 2 इयर्स. अब्बा या मान जाओ या सो बस. फिर वो 2016 में यू सेड दैट यू गॉट इनटू कंटेंट. या देयर इज अ वीडियो 2016 का, व्हिच वन? जाके सर्च करना कभी. ओके, इट्स ऑन YouTube. इट्स देयर ऑन YouTube. वेरी एंबैरेसिंग, बट या इट्स स्टिल देयर. आई विल चेक इट आउट. बट दैट मींस तब आप स्टार्ट कर रहे थे कॉलेज, उसी के साथ आपने कंटेंट स्टार्ट किया. तो फिर यू वर डूइंग साइड बाय साइड, यू न्यू कि मेरे को कंटेंट भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा करना है. हाँ, पर उतना फोकस नहीं दे पा रही थी ना मैं. ओके, मतलब क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ. यू वर एक्सपेरिमेंटिंग बेसिकली क्या हो रहा है. तो तब आप क्या कर रहे थे, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट? Starters in वो like what start? Content genre क्या था तब? Mimicry. First video mimicry का ही है, वो भी actually viral गया था, 2 million आये थे उस time. Wow, क्या like I was one girl with 7 voices. ओ ऐसा कुछ तो मैंने देखे हुए हैं, like and I don't know if I've seen yours, but मैंने इस type का content pieces तब काफी they were going. Yeah. कि कुछ लोग गा रहे थे, कुछ लोग ऐसे मिमिक्री कर रहे थे. आई रिमेम्बर दिस कॉन्टेंट पीस. बट देन आई डिस्कवर्ड यू अराउंड 2021 आई थिंक. ओके, या एंड दैट इज व्हेन आई गॉट टू नो कि ओके, यू डू कैरेक्टर्स, यू डू वॉइसेस, यू डू मिमिक्री ऐसे. तो मुझे ये जानना है कि हाउ डू यू लाइक पिक अप दीज थिंग्स, क्योंकि आप कह रहे आप बचपन से करते हो. तो लाइक बट दोस वॉइस अगेन, I got your question. Sorry to cut you. Yeah, it's fine. Yeah. No, you can complete your question. Yeah, ki voice kaise aap pick up karte ho? But I don't pick up my voice. My voice is pick me up. How? It's very scary and beautiful. This is not my voice. I'm speaking in someone's accent since I came here. And I can't change it now. It's not in my control. Matlab? Exactly. Now this is a very subconscious process. Yeah. Is it like fake it till you make it situation? नहीं, I'm not faking it. It's there. No, कि वो आप पहले try की होगी. नहीं, मैंने try नहीं करी है. मैं वही तो कह रही हूँ. वो आप समझ लो एक आवाज की आत्मा मेरे अंदर बस चुकी है. अब जब तक वो सिद्ध नहीं होती, वो जाती नहीं है. अपने आप ही नहीं जाती वो. मैं मुझे नहीं पता क्या. It's very scary. It's very beautiful. Same happened with every आलिया के केस में भी सेम चीज हुई थी. हर जगह जाके मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे बिहेव करने लग गई थी. अपने आप को मैंने शनाया समझ के रखा था. फिर मुझे सबने कहा कि अरे यू साउंडिंग लाइक हर, यू साउंडिंग लाइक हर. तो आई वाज लाइक ओके. फिर सेम रितु भाभी के केस में हुआ. या दैट इज माय फेवरेट. और मैं हर लड़के को कॉल पे कहती हूं हर रॉन्ग व्हाट द फर्स्ट में हो यार. आज तो तू आठ लग रहा मोटा. दैट इज माय फेवरेट. एंड मैं हर इंसान को कह रही हूँ ना, पर ये चीज तो मुझे अब एक हाथ को किसी ने तो देखा ही होगा.
मैं ये जानबूझ के नहीं कह रही, हाँ बहुत सबकॉन्शियसली वो, अब क्योंकि आप वो हो गया है, अब वो आवाज अंदर आत्मा आ चुकी है ना, आवाज की आत्मा. बट जब आप ऐसे कॉन्शियसली, कॉन्शियसली तो मैं कर ही नहीं सकती. हाँ आई कांट, इफ यू गिव मी चार्ली जानो जो इसको मिमिक्री करो, मैं नहीं. अगर अभी आप जैसे एक वीडियो बनाने बैठोगे और मैं बोलूँ कि लाइक डू अ डायलॉग बिटवीन ऋतु राठी एंड सिद्ध, हाँ तो वो आवाज सिद्ध हो गई ना अभी, हाँ या हो गया ना, सेट हो गई है, तो वो हो सकता है, ओ उसमें स्विच हो सकता है, ऋतु राठी दया भाभी आलिया स्विच ऐसे हो जाएगा. बट नहीं नहीं, जब वो आ रही है ना गले में ऐसे बैठने के लिए, ऐसे कहीं से उड़ती भी आत्मा, तब नहीं होती फिर वो. एंड अगर कोई आपको आपके पास कभी ऐसे होता है कि कभी कोई ब्रांड या कैंपेन का ब्रीफ आता है, दे टेल यू कि एक कुछ नया कैरेक्टर टाइप भी बता देते हैं कि इस टाइप में आप ट्राई करो. हाँ, हो जाएगा नहीं, आवाज हो जाती है, तुरंत हो जाती है. लाइक यू फिक्शनल वॉइसेस, वेरी सिंपल. आई वॉज रिसेंटली क्रैकिंग वॉइसेस, मैं मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम उसी में जाता है. मतलब बेसिकली I feel everything is about voice. Right. ठीक है. Sorry. You want water? No, no. I want nothing. Okay. I just want to. I feel everything is about voice. Okay. मैंने ये मेरा hinge पे भी मैंने bio रखा था. आप hinge पे? हाँ हाँ. मैंने मेरा entertainment बहुत कम हो गया था जीवन में. अच्छा. तो मैंने सोचा hinge download करूँ. मैं तो खुश हो गई. क्योंकि आई लाइक मैं ना ये डेटिंग वाला आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इट अप, क्योंकि मेरे को जानना होता है लोग क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं. मुझे पूछो, मैं तो बहुत खुशी खुशी बताऊंगी. पहले हम ये वाला खत्म करते हैं, देन ठीक है. एवरीथिंग इज अबाउट द वॉइस. तो मुझे किसी ने पूछा कि व्हाट अबाउट द पीपल हु कांट स्पीक. मैंने कहा एवरीथिंग इज नॉट अबाउट द आउटर वॉइस, इट्स अबाउट द इनर वॉइस टू. हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ, व्हाट यू टॉक टू योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. एंड वॉइस कैन turn off and turn on anybody like this. How was the question? And so I was discussing this with even the Dr. Sid, neurologist. Yeah. And I was telling him, so he was like, no, it's about the brain. And I was like, it's about the voice. Voice jayegi brain mein, tabhi to aapko samjhega. And I was like, inner voice se agar aap ye, sab main technical baatein kar rahi hu, theek hai? Yeah. So and I told him ki, you can turn off and turn on somebody with your voice. He's like, not possible. Maine kaha, आप स्टीमी सिचुएशन में हो, ठीक है, आपने अभी तक लड़की की आवाज सुनी ही नहीं है. आपको बहुत खूबसूरत लड़की दी थी मैंने, मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, शी इज परफेक्ट द वे यू वांटेड, क्यूटी पाई या क्यूटी हॉट, मतलब जो भी अभी लड़कों की प्रेफरेंस, मुझे नहीं पता भाई, मैं तो स्ट्रेट हूँ. हाँ. उन्हें जो भी, मतलब जैसे भी, ठीक है. हाँ. अब उसने बोला, ओ माई गॉड, अगर उसके मुंह से ये निकला, ये इज राइट देयर, तो तुम क्या करोगे? अब मैं तुम्हें एक नॉर्मल लड़की दूं. हाँ. सुन, ओ यहाँ रहते हैं. सो हाफ ऑफ द मेन टॉक टू मी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट थिंक आई एम वेरी गुड एट रोल प्लेज. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. So this one guy was talking to me and he's like, oh Chandni, you'll be so good at role plays. मेरे दिमाग में आ ही नहीं, मेरी सोच ही नहीं है उतनी एडवांस की. मैं सोचूं कि he's talking about celebrity. Yeah. I was like, why does he want to hear? Choke me, टप्पू के पापा. Why? Why would you want to hear that? Damn. यार पता है मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब एक्चुअली आई हैव सीन तो नहीं यार, मतलब ऐसे मेरे को लगता है कि क्रिएटर्स को डेट इजीली मिल जाती है. व्हाट? हाँ, कहाँ, कैसे, कब? मुझे नहीं मिल रही यार, मतलब व्हाट रबिश. हाँ, तभी मैं हैरान हूँ, घोस्ट कर दिया. अरे भाई, मुझे तो आज तक सब बंदों ने भाव नहीं दिया है. मतलब आई एम ओके, सो आई एम अ वेरी कंट्रोल फ्रीक पर्सन. अच्छा. आई विल आस्क यू आउट ऑन अ डेट, आई विल डिसाइड द प्लेस, आई विल ब्रिंग यू फ्लावर्स. कभी कभी ऐसा हुआ है दैट ओपन द डोर ऑल्सो. Very cute. आप मेरे को डेट कर लो. I'm straight. Straight तो मैं भी हूँ, but ठीक है. ठीक है. तो ये सब मैं, I'm a very like control freak person when it comes to like basic things. तो लड़के freak out हो जाते हैं. लड़कों को नहीं मिल रहा है ना इतना प्यार, दूसरी लड़कियाँ नहीं दे रही. तो उनको was like who. हमें चेस चाहिए. हाँ. और मुझे, और मेरा ऐसा है कि आई एम वेरी लाइक दैट पर्सन, लाइक यू नो, गिविंग पर्सन. लाइक आई एम लाइक नो आई मेक श्योर दैट यू आर कम्फर्टेबल. एंड अभी रिसेंटली मैं किसी के साथ में थी, खैर उसकी गर्लफ्रेंड है, बट मुझे वो उसको देखो हंस रही हो, देखो कैसे हंस रही, देखो मुझे पता है. नहीं, उसको पता नहीं, पर वो हंस रही है. अच्छा.
उसकी गर्लफ्रेंड पर मुझे वो बंदा 2018 से पसंद है, मुझे तो बचपन से पसंद है वो, ऐसा समझ लो है ना, पर उसकी गर्लफ्रेंड तो स्कूल कॉलेज नहीं नहीं यार, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है वो, मतलब इट्स अ जेम ऑफ अ पर्सन, ही इज ऑलमोस्ट लाइक नॉट रियल गाय. Oh damn. Yeah, I wrote poems for him and then I told him also like, but he is so committed and and he's so loyal that makes me fall for him even more. He's like, I have a girlfriend, I'm very committed to, I'm very loyal. And I wrote ki she's very lucky and he's like, no, I'm very lucky to have her. Main hoti, main toh likhti your loss, bro. Nahin, nahin. Nahin, yaar, aise mat bolo. He's आई थिंक ही स्पेशल, भगवान ने बहुत फुर्सत में बनाया, बस मैं फ्लर्ट जरूर करती हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा. मैंने कहा यार तुम ऐसी ऐसी वैसी कभी हरकत मत करना, बता तुम्हें भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है. खैर आई मेट हिम रिसेंटली, आई नेवर मेट हिम ऑल्सो, मतलब तब से अब तक आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. और ये मेरा नहीं है, किसी और का है, ठीक है, पर मेरे अंदर क्या प्यार है ना उसके लिए. आप लॉयल हो, मतलब मेरे इन माई हेड आई एम रेटिंग हिम, ओके, इन माई हेड यू आर माई बॉयफ्रेंड, ठीक है. तो अब वो गाड़ी से उतरा तो आई वाज कीपिंग अ टैप की उसका फोन गलती से गिर गया, उसका फोन उसको दे दिया, उसके लिए गेट बंद कर दिया. ये सब मैं कर रही हूँ, ठीक है. वो खा रहा था तो हल्का सा यहाँ पे से गिरा था, मैंने तुरंत टिश्यू दे दिया उसको, हल्की सी खांसी है, तुरंत पानी दे दिया. मतलब मैं इतनी ज्यादा केयरिंग कर चुकी थी ना कि वो भी ऐसे उसमें आ गया था कि ये रियल है क्या. ये तो नहीं हो रहा मेरे साथ. वही ना, योर लॉस. नहीं यार, उसकी बंदी से प्यार करता है ना, पर वो खैर आप तो नहीं करते. किससे? उसकी बंदी. मैं क्यों उसकी बंदी से प्यार करूं? तो वही बस मतलब आई एम हैप्पी फॉर देम. कि देखो वो एक डायलॉग है ना कि इश्क था इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होता. ओह लेट्स गो. कौन सी मूवी का था ये? आई फॉरगॉट, सुना है मैंने बट यस. तो बस वही चीज है. मतलब इट्स लाइक अभी अभी हमारा वो रिश्ता है कि मैं उसको चकोर जैसे, मतलब जैसे चांद को देखता है ना चकोर, वैसे मैं उसे देख सकती हूँ बस, मतलब दूर से. नाइस. आई जस्ट वांट मीट हिम टू राइट पोएम्स ऑन हिम नाउ, दैट्स इट. बट फिर आप उससे आप आगे बढ़ोगे कैसे? नया आएगा कोई, देखो देखते हैं. नया आएगा तो बैक टू एनी हिंज तो इज माई कॉन्टेंट. Ah. I also tell them very honestly, to be very honest. I tell every guy on Hinge, like, listen, you are my research and development. Like, you are my R&D. I'm just talking to you for content. Yeah. अच्छा, आप मेरी Hinge profile पढ़ना चाहोगे? आप फिर बताना कि मेरे को dates मिलनी चाहिए इसके ऊपर ही नहीं. अरे मैं ऐसे जज ही नहीं करती. नहीं नहीं, आप कर लो अभी, मैं आपको दे रही हूँ वो. लड़कों का profile जज करते हैं ना. नहीं नहीं, वो भी कर लेंगे, but that's me. तुमने पहली फोटो ऐसी लगा ली? पहली फोटो इस लड़की ने ऐसी लगाई है कि बंदा तुरंत राइट स्वाइप, बाथ टब में बेबी अकेले क्यों बैठे, मैं चलूं सपा. फिर क्यूट डाल दी, हाँ. फिर एडवेंचरस डाल दिया, सब डाला है. फिर आगे गेम्स, चलो साथ में गेम्स खेलेंगे, एकदम टिपिकल राइट स्वाइप. फिर ब्लरी फोटो डाल दी, फिर ये एडवेंचर वापस डाल दिया. हाँ सही है ना, राइट स्वाइप, तुरंत राइट स्वाइप है ये तो. लेट्स गो. फिर भी नहीं हो रहे ना? नहीं हो रहे, यही प्रॉब्लम है. हाँ नहीं हो रहे. इतने तो आए हुए हैं, मैं बात करती हूँ, देखो चैटें पड़ी है, रिप्लाई नहीं किया इस बंदी ने चैट पे. हे यू हेट वेयरिंग ब्लैक इज द लाई, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट इज, व्हाट डज इट टेक टू बी हैप्पी एंड फन एज यू इन लाइफ. चार बोतल वोडका. चार बोतल वोडका काम मेरा. इसने तो फोटो में कपड़े ही नहीं पहने ऊपर, और कुत्ता चाट रहा है इसको. मैं तो कुत्ते के लिए दिखा रहा है ऐसा. हे बॉडी वॉसम से जा रहे हैं ये लोग. मैं रिप्लाई कर, मेरी बायो इसने लिखवाई थी. हे I experimenting making sushi at home too. बस शादी. With that English. क्या लिखा? Yeah, exactly. वही तो sushi में भी नहीं है. I रुक जाना, चुप रहो. I experimenting. I need to stop the sushi tutorial and watch an English one. No issue. I experimenting to eat sushi. Your sushi. अभी ना लेट मी सेंड अ वॉइस नोट, नाउ आई विल टेल यू हाउ.
अभी इसको देख, इसको टर्न ऑफ करेंगे अभी. यू हेट वेयरिंग ब्लैक. नो मैन, आई लव वेयरिंग ब्लैक मैन. कोई पूछ रहा हाउ आर यू डूइंग, इसको कौन सी आवाज में करें. वी जस्ट डूइंग दिस फॉर फन. आई एम नॉट गाइस, फन एंड गेम्स ओनली. ठीक, क्या कहना चाह रहा है. यू आर एक्सट्रीमली स्टनिंग. आई रियली वांट टू टेक यू आउट बीच साइड एट सोहो, वॉच सनसेट विद कॉकटेल्स एंड होपफुली वी विल वी कुड वेट टिल नून मून लाइट. इफ कॉकटेल्स आर टू लिट वी विल फिट. लेट्स गेट टू नो ईच अदर. No. रुकना, 31 years का ये तो बहुत बड़ा है तुमसे. मतलब कहाँ फिट होना है ऐसे. हाँ, हे मैन, चुप रहो. या डूड, व्हाट्सएप मैन. ये ऑफ कोर्स आई थिंक वी कैन डेफिनेटली फिट. कैन आई सी यू टुडे टुनाइट प्रोबेबली एट 9 वुड दैट वर्क. 9 PM. मैं देखती हूँ अगर मुझे कोई ऐसा बंदा दिखता है जिसको मैं शायद जानती हूँ, बट आई डोंट नो इफ ही और शी. मैंने तो बहुत पागलपन करती हूँ मैं तो. ये तो कुछ नहीं है, बंदे डरा देती हूँ. ये बंदे मुझे अनमैच कर देते हैं. क्योंकि मैं ना, मैं उनको पता है हाय हेलो इतना कौन करेगा. मेरे को टाइम राइट 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 ठीक है. फटाफट मैं साइकोलॉजी और वॉइस पे वर्क करती हूँ. टेक्स्ट में मुझे नहीं समझता तुम्हारा मंतव्य क्या है. खुल 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 किसी का मैसेज आया. और कोई सोल्यूशन नहीं है. आई डोंट थिंक. किसका था ये वो चार बोतल वोट का है. इसको सेक्सी आवाज में बोलेंगे. मुझे पसंद आ गया, मतलब बात करने में. वेल, और तो सोल्यूशन ऐसे बहुत सारे हैं ना. डिपेंड करता है आपको किस तरह का सोल्यूशन चाहिए. वाओ, आज तो एक्शन पक्का है. ठीक है. तो मैं मतलब अगेन आई वर्क विद द साइकोलॉजी ऑफ वॉइस. मैं टेक्स्टिंग मेरे से मत कराओ, मेरे से नहीं हो. मेरे जनरली यहाँ पे थंब में स्वेलिंग भी आ गई है. मैं नहीं होती मेरे से. ठीक है, तो मैं उनको बोलती हूँ. और हिंज पे कॉल नहीं है. हिंज यार प्लीज कॉल लगाओ यार. तो मैं उन्हें मैंने मेरे बंबल पे. हाँ, पर मैं बंबल पे बहुत ही मैं नहीं हूँ. मतलब बंबल पे अभी तक मैंने बनाया नहीं बंबल का. हिंज पे हूँ मैं. तो मैं उन्हें इंस्टाग्राम देती हूँ. नॉट ऑफकोर्स नॉट द वेरीफाइड वन. तो वहाँ पे वो लोग आते हैं और फिर मैं उन्हें डायरेक्ट फोन कर देती हूँ. बहुत डर जाते हैं. बट नहीं, अगर आप अपना अकाउंट उनको बताते हो तो चांदनी टाइप करते ही डोंट दे लाइक फाइंड दैट एक्चुअल प्रोफाइल. मैं ऐसे उन लोगों से बात करती हूँ जो मुझे नहीं जानते. नहीं, बट इंस्टाग्राम पे सर्च करते हुए मैं उनको मेरा अकाउंट लिंक भेजती हूँ ना, प्राइवेट वाला. क्योंकि मैं भी लाइक आई हैव अनदर अकाउंट फॉर दिस. तो मेरा उसमें एक पोस्ट है. बहुत ही वैसा अकाउंट है कि एकदम एंटी सोशल. हाँ, मतलब और किसी किसी को लगता है ये नकली अकाउंट है. मतलब 2018 की कोई बिल्ली की फोटो पड़ी है उसमें ऐसी. नहीं, मैंने तो प्रॉपर एक बम्बल के लिए अलग इंस्टाग्राम बनाया है. सॉरी. तो मैं सारे लड़के आपको पता चल रहा है. देखो कौन कितना सिंगल है यहाँ पे. पता चल रहा है हम कितने सिंगल है. क्या कर रहे हो आप. लड़कियों को क्या चाहिए. नहीं चाहिए हमको तुम्हारा पैसा. कौन बोल रहा है हम गोल्ड डिगर है. भाई साहब नहीं है गोल्ड डिगर. हम बस चाहते हैं कि आप पहन के आ जाओ ब्लैक शर्ट, रोल अप स्लीव करके सिल्वर वॉच पहन लो. बस हाउ आर यू पूछ लो, कैसी है, खाना खाया, पानी पिया, थोड़ा सा टॉकिंग फेस निभा लो, थोड़ा सा कडल कर लो, प्यार दे दो, बस. और कुछ नहीं चाहिए हमें. पूछ लो उनको. इमो हो गई वो यहाँ पे.
केरी हाँ यस बस और एक हाथ से वो गाड़ी का ऐसे वो यू टर्न ले लो यू टर्न ले लो और यू टर्न लेते हुए बस ये विश्वास करना कि लेफ्ट हैंड हमारी सीट के पीछे हो। अरे मैंने एक अलाइनमेंट किया, मैंने सोचा था कि मैं अपनी सारी हिंज डेट्स को जितने भी मैंने मैच किए सबसे मैं जिनसे बात करूँ सबको एक साथ बुलाऊं तो बेस्ट हो जाएगा, पर वो कन्विंस करना पड़ेगा बस। चांदनी का स्वयंवर नहीं चिल ऐसे ही बस बात करने के लिए पागल वागल है क्या? अच्छा अभी नहीं मैं हाँ मेरा मैं दिखाऊं फ्लर्टिंग स्किल्स दिखाऊं मैं। एक तो मेरी एक एक बंदा था क्रिएटर ही था तो नाइस आई लाइक वेयर इट्स गोइंग तो नाम नहीं बोलूंगी मैं। ही इज वेरी ही यूज्ड टू बी वेरी बिजी बिजी एंड आई लाइक्ड हिम एंड व्हेन आई लाइक मुझे ऐसे होता है प्रेमिका ने प्यार तुरंत प्यार तुरंत प्रेमिका को प्यार हो गया मंडपे चलो ऐसा वाला है ना अली हूँ मैं Me. धूम की तो मैंने से कहा कि सिंस यू आर बिजियर देन जेफ बेजोस कैन आई गेट योर डेट्स फॉर अ डेट आई एम यूजिंग दिस इसे मना कर दिया क्यों मैंने कहा ये थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग बट I'm not interested. I just broke up. I'm like, okay, fair. But अभी किसी और को date कर रहा है वो. That is one pickup line वाले जाए. Love. अच्छी है. Yeah. That is mine. My favorite one. Yeah. I'll tell you another one. तो किसी ने मुझे पूछा कि मैंने किसी को कहा कि वहाँ से ले आ रहे हो तो मेरे लिए क्या ला रहे हो तो उसने कहा me. तो मैंने कहा but that's too sexy for me to handle. यार आपका गेम तो बहुत ही सही है यार, पर लड़के डर जा रहे हैं ना। सेम मेरे साथ भी यही हो रहा है लड़के बहुत डर जा रहे हैं यार। चांदी का बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारा बहुत वीक है। अरे मैं ऐसे फ्लर्ट कर रही हूँ। मैंने अभी रीसेंट मेरी पिकअप लाइन को सुनेगा, मैं रीसेंट वाली बताती हूँ, एकदम वेरी रीसेंट वाली। अरे मैंने अभी लास्ट पॉड में ना कॉन्वर्स मतलब मैं आई डोंट यूज सेपरेट पिकअप लाइंस, आई यूज पिकअप लाइंस इन द कॉन्वर्सेशन। हां सेम मैं भी लाइक बट हाँ ये तो मैं भूल भी जाऊंगी। रिसेंटली सम डेंटिस्ट आई वॉज टॉकिंग टू एंड आई टोल्ड हिम आई यू विजडम टूथ बिकॉज आई डोंट नो हाउ यू वर्क बट आई रियली वांट टू टेक यू आउट। ओ ये हाँ ये समझ आई मेरे को। यस नाइस वन आई विल यूज दिस। मैंने एक और यूज करी थी समथिंग यू नो समथिंग टू डू विद लाइक you know like something like tum daant dekh sakte ho because in the sense ki whenever I look at you I smile you know in that capacity wo to cute ho gayi kafi but yeah I was coming to this agar aap jaise aap keh rahe ho you ask them out you want to take them and first bill is on me first like I don't let the guy pay ever kya baat I can never do split that. Split works if it works for him ha but first is my treat always that's cute par aapke aise go to places kya hai bombay mein नहीं है यार मेरी इतनी ज्यादा गो टू प्लेसेस कहीं भी मैं जुहू बीच पे बैठ जाऊँ हाँ वो अच्छा वो चौपाटी हाँ मतलब चौपाटी पे मैं अभी वर्सोवा बैठ जाऊँ मैं बीच पे आई वुड रादर जस्ट टॉक लाइक यू आई एम नॉट अ वेरी प्लेस पर्सन मतलब प्लेस स्पेसिफिक पर्सन हाँ मतलब ऐसा स्पेसिफिक्स नहीं होना चाहिए कि ओ माय गॉड इज नॉट एस्थेटिक नहीं पर हाँ घर बुला के मतलब आई एम द थिंग इज दैट की नाउ आई टेल यू व्हाई मेन डोंट स्टे इज लाइक वी गर्ल्स लव इमोशनल इंटीमेसी एंड मेरा इमोशनल इंटीमेसी फेज चलता है ऑलमोस्ट वन ईयर मतलब प्लेटोनिक रिलेशनशिप प्लेटोनिक रिलेशनशिप निभाती हूँ मैं एक साल तक से इमोशनल इंटीमेसी चलेगी फिर बाद में देखेंगे फिर देखते हैं कि वेयर इट गोज फिर देखेंगे या फिर बाद में सोचेंगे बट अदरवाइज डेट के अलावा फिर बाद में जस्ट होल्डिंग हैंड्स तक ही रहता है मेरा वहां से ऊपर मैं बढ़ ही नहीं पाती रिलेट इसीलिए बोला मैंने ये ठीक है ओके बट हाँ मैं कह रही थी कि आप लाइक अपार्ट फ्रॉम जस्ट डेट्स आप विच इज लाइक योर
ऐसे गो टू प्लेस इन जनरल बॉम्बे में आप कहाँ गए? इन जनरल इफ यू वुड वांट टू रेकमेंड सम कैफेज और नाइस प्लेसेस, आई एम नॉट अ कैफे पर्सन ना, बट लाइक ओके हाउ वाज योर डे लाइक? जब आपको फॉर आपको एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती हूँ, आपको शाम को इवेंट पे जाना है और आपको एक दिन में ब्रांड का कुछ शूट करना है, नाउ हाउ डज योर डे लुक लाइक? मैं तो ये अभी कल परसों यही कर, क्या किया मैंने बताओगे या मैं बताऊं लोगों को अपने अभी क्या किया पॉडकास्ट के पहले? भाई पॉडकास्ट के पहले मैं इसके घर में, मैं जैसे एंट्री मारी मैंने इसे बोला गिव मी 10 मिनट्स, मैंने तुरंत एक ब्रांड शूट किया इसके घर में आके। ऑडेसिटी देख रहे हो मेरी, पहली बार मिल रही हूँ ऐसे? नहीं यार तीसरी बार। हाँ मतलब ऐसे इस कैपेसिटी में, मतलब ऐसे मिलने कैपेसिटी में, हाँ ऐसे वाली कैपेसिटी में। But हाँ मतलब I am very, I don't consider my work as work, that is one of the best feelings and also right. not that good, क्योंकि end of the day मैंने कितना भी shoot कर लिया है, ये team बैठी हुई, लोग कहते हैं कि शादी को very over workaholic, but मुझे ऐसी feeling आती है मैंने कुछ काम ही नहीं किया। I am very over workaholic no, and they keep telling me, they always keep telling me Chandni you need to relax, you know it's okay to take breaks, and then I'm like fuck that, I need money. नहीं फेयर भाई, बट आई एम मेरी वो भूख खत्म ही नहीं होती, लाइक यू नो आई एम वेरी कॉन्स्टेंटली हंग्री फॉर सो मतलब फिर क्रिएटिविटी, फिर वो आप यू डोंट टेक आउट दैट टाइम कि हाँ मैं थोड़ा किसी कहीं मतलब चिल करने बाहर जाए या कुछ ऐसा, कोई मुझे लेके जाएगा तो मतलब अरे आप मेरे साथ चलो यार। पर मेरा फिर भी काम ही रहे, नहीं यार आई एम अ वेरी, अभी तो स्पेशली स्पेशली अभी तो मैं उस जोन में हूँ जहाँ पे मेरा हार्ट ब्रोक हो गया था अभी रिसेंटली, तो मैं ना ह्यूमन से बात ही नहीं करना चाहती थी। मेरा वो जोन भी हाँ चला था अभी बीच में, लंबा चला वो तो काफी। तो अभी लाइक व्हाट इज द फेज लाइक अभी आप क्या? धीरे धीरे बात कर रहे हो, आई एम टॉकिंग बट टू न्यू पीपल नॉट ओल्ड पीपल, लाइक आई नो आई एम टॉकिंग एक्सट्रीम लाइक न्यू पीपल, तो सही है ना, इसीलिए मैंने हिंज डाउनलोड किया। यार नहीं अगेन इवन इन प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह, आपकी जो प्रोफाइल में पिक्चर्स होते होंगे उसको देख के अब मेरे मतलब माफ कर, उस लोगों ने रिपोर्ट किया तो मैं हिंज से बाहर भी निकली हूँ ऐसे। अच्छा। मतलब वो सब हो गया है, आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय हिंज बिकॉज दे हैव एक्जैक्टली द वे आई वांट, आई लव नर्डी गाइज, आई एम अ वेरी सेप्टोसेक्सुअल पर्सन, आई लव मेन हु आर इंटेलिजेंट, कैन हैव कॉन्वर्सेशन, कैन होल्ड कॉन्वर्सेशन, कैन लीड। व्हाट इज योर टाइप? यही मतलब ये क्यूट एंड नर्डी, क्यूट एंड नर्डी, या वेरी क्यूट नर्डी लुक इज माई लुक, लाइक चश्मा पहनो तो दैट्स अ टर्न ऑन फॉर मी, एंड हाँ कि अगर मैं उससे फ्लर्ट करूँ तो वो भी करे। एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लाइक बट मेरे टाइप में पता नहीं क्यों ऐसा कोई मिला नहीं जो वापस फ्लर्ट कर, उनको डर लग जाता है पता नहीं क्या। हाँ मैं इसे क्या इतना इंटिमिडेटिंग हो रहा हूँ, आई थिंक यही जो ऐसे फर्स्ट मूव अगर हम करते हैं अगर वुमेन डू, एंड मैंने एक्चुअली टोल्ड मी जानी वो वेरी इंटिमिडेटिंग, और फर्स्ट डेट पे ना मेरा एक रूल है, नेवर टॉक अबाउट योरसेल्फ, नेवर। मैं सारी रिकॉल करने लग गई थी किया है क्या मैंने, नहीं वो एक हाथ कुछ फर्स्ट डेट पे मैंने किया है। देन व्हाट डू यू टॉक अबाउट ऑन फर्स्ट डेट? अबाउट द गाय, बिकॉज एवरी मैन वॉन्ट्स टू बी हर्ड, बट क्या होता है ना हम हमेशा आदमियों को ब्लेम करते हैं कि आप में इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, लेकिन उन्हें हम वो मौका ही नहीं देते इमोशनली एक्सप्रेस होने का। जब भी वो एक्सप्रेस करना, आदमी कभी भी एक्सप्रेस करना चाहता है तो हमेशा बचपन से लेके आज तक उसे दबा दिया जाता है कि नहीं तब तुम तो मर्द हो तुम मत करो। मैन आर सपोज टू ऑलवेज अज्यूम लाइक ओके यू हैव टू बी अ की गिवर, केयर गिवर, या व्हाट इफ दे डोंट वांट टू बी, दे वांट दैट थिंग, दे आल्सो वांट दैट लव, दे आल्सो वांट दैट वार्म, दे आल्सो वांट टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड दे टायर्ड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, या सो आई जस्ट मेक श्योर दैट जितना भी टाइम मैं स्पेंड करूं, भले मैं उसे पहली बार मिलूं या आखिरी बार मिलूं जो भी है, पर मैं उसे वो फील कराऊं दैट यू नो आई एम जस्ट हियर टू टेक केयर फॉर अ व्हाइल। दैट्स सो स्वीट, बट नाउ गिव मी एन एग्जांपल, अगर मैं डेट पर जा रही हूं तो अरे मेरा तो गेम ही ऑफ है ना, पर लोगों को नहीं चाहिए। अरे नहीं, तो हाँ तो जैसे अब मैं मेरे से पूछो मत, मेरा तो गेम ऑफ है, तो मैं ट्राई करके देखती हूँ शायद मेरे मेरा चल कुछ नहीं, लेके चले जाओ बुके लेके चले जाओ। हाँ, नहीं तो बात क्या करो, बात जैसे अच्छा बात कॉन्वर्सेशन, आई एम वेरी गुड एट इट, आई कैन हैव कॉन्वर्सेशन विद एनीवन एंड एवरीवन, आई नो अबाउट एवरीवनस लाइफ एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन एवरीवनस लाइफ। ये तो बहुत ही सही है यार, आई नो व्हाट माय वॉचमैन का अभी उसका कहाँ उसका गांव में क्या हुआ सब पता है मुझे, हमारे किराने वाली दुकान में उसकी बेटी की शादी की उसने दहेज भी दिया तो कितना दिया क्यों दिया सब पता है मुझे, आई नो एवरीथिंग, कौन से गांव में गए, फिर वो भाई साहब अभी वो दूसरा नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ जम नहीं रहा, आई जस्ट नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। तो आपका गॉसिप भी बहुत होगी।
क्रिएटर्स का मुझे कुछ नहीं पता कौन क्या कर रहा है, मुझे बस मेरे अच्छा क्रिएटर से हम वैसे ही यू डोंट आई स्टे अवे ब्रो, आई स्टे अवे। सुकृति को सब पता है कौन कौन कर रहा है। हाँ मुझे तो ना यार कौन कौन कर रहा है बाद में बाद में क्यों अभी तुम काटो ना फिर। मैंने बड़ा बोला मैं काटूंगी अरे मैं आप बोलना शुरू करूँ ना एक एक। हाँ ये डेट कर रही है वो तो चल एक पागल। मुझे बताइए डेट को, उसने खुद नहीं बता दिया वो डेट कर रही है। ऐसा बताना जो कह नहीं रहा मैं डेट कर रहा हूँ। यार मैं गॉसिप सारी निकल गई। बोल अब दिमाग नहीं आ रहा ना स्पॉट पे रख दिया, अभी आएगा कुछ तो मैं बताती हूँ। ये तो चीटिंग है यार। अरे अभी स्पॉट पे रख दिया, अभी मैं याद करूंगी लाइट्स ऑफ करने के बाद वापस पूछ। छी आप कह रहे हो आपके पास क्रिएटर गॉसिप नहीं है आप, बट लाइक आई स्टे अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री एज मच एज आई कैन। ओह बट व्हाई मतलब इन जस्ट लाइक आई एम इट्स लाइक आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन बट लाइक आई एम नॉट रियली फ्रेंड्स विद लाइक यू आर नॉट इनटू इट एज मच कि भाई जानना है मेरे को कुछ। But then how are your interactions in general like very good work nice. related only मतलब क्या काम से क्या बात करूँ किससे मतलब जैसे कि like फिर interactions if I'm meeting anybody and everybody I meet everyone in a very Ranveer Singh energy capacity that you know I just hug them I kiss like give them puppies and like huggies to girls not puppies to guys sorry उसके बर्थडे पे मैंने सेम चीज करी है घेला नहीं फोन उपड़ But yeah, how, I still don't get like how do you like get these accents I don't know तो आप कुछ प्रैक्टिस करते हो कुछ ऐसा एवरीडे यही करती हूँ मैं मतलब रूटीन में आपके मेरी तो बहुत ही रूटीन में चीज़ है मैं अभी नहीं हूँ ना मेरे कैरेक्टर में कोई मुझे प्लीज स्नैप करके बाहर निकालो ये चांदनी नहीं किसी दिल्ली का एक्सेंट आया मेरे में वो आप मेरे साथ बैठे इसीलिए नहीं यार एक किसी इंसान से मैं बात कर रही हूँ तो वो ऐसे ही बात करता है तो मेरा एक्सेंट चढ़ गया मेरा एक्सेंट चढ़ जाता है गॉड मेरा चढ़ जाता है और फिर निकलता नहीं क्या मैसेज आया आया क्या पेमेंट आई बताओ मैं तो कितनी लकी हूँ इसकी पेमेंट भी आ गई पसंद नहीं आई एंडिंग तो बदल दो मेरे को एक चीज बताओ लाइक इफ फ्रॉम अ क्रिएटर पर्सपेक्टिव एंड यू हैव लाइक लिव्ड इन बॉम्बे थ्रू आउट बीइंग अ क्रिएटर आल्सो तो एज अ क्रिएटर इज डू यू थिंक कि Does it make sense to be come to Bombay only because like you want to grow as a creator? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है कहीं से भी कर सकते हो आप इतनी फ्रीडम वाली जॉब है आप। For beginning the podcast you were talking about कैसे यार भले लोग बड़े कम मिलते हैं लाइफ में आप भले लोग बड़े कम मिलते हैं ऐसा नहीं है यार दुनिया भले लोगों से बहुत भरी पड़ी है या हमें ऐसा लगता है कि बहुत कम भले लोग हैं बट ऐसा नहीं है वो मजाक में निकल गया था बट जनरली आई फील इफ यू नाइस टू पीपल पीपल आर वेरी नाइस टू यू इवन इफ दे आर नॉट नाइस टू यू इट्स देयर कर्मा मूव ऑन राइट एज सिंपल एज दैट आई एम वेरी राइट आई एम वेरी बट आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है लाइक ऑफ कोर्स कुछ इंसिडेंट बट आई एम अ वेरी कर्मा बिलीवर एंड ऑल ऑफ दैट एंड मेरे साथ में मतलब जिसने भी टच वुड जो गलत करता है वो Have you karma seen, take care so have you seen aisa karma working yeah bro I mean so many times in my case like there was a girl in my 11th standard who told me your voice is very irritating can you shut up that way fir wo dm mein bhi aayi sorry फिर एक बंदी ने मुझे कहा था स्कूल में कि इतने कपड़े हैं मेरे वार्डरोब में तुमने देखे भी नहीं होंगे या then and nothing now I have so many clothes that I keep donating clothes that's nice thing but jaise recently aapne kabhi kuch dekha ho has something happened with yeah you? I mean somebody like a lot of people abandoned me last year in around October November abandoned friendships and I was like why is this happening and I was very upset with it yeah I was in a terrible place and I was like why is it happening to me right but I think when you sit meditation karte time you get your answers ki this is happening because the universe wants to send good people in your life and jab tak wo clutter jayega nahi tab tak acche log aayenge nahi exactly and do you also feel ki do you also feel nahi okay what do you think
आर मोर ऐसा अफेक्टिव इन जनरल लाइक फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स और लाइक रिलेशनशिप ब्रेकअप्स. आई हैव नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप टू बी ऑनेस्ट. आई कैन नॉट कमेंट ऑन रिलेशनशिप ब्रेकअप. बट फ्रेंडशिप्स या डू हर्ट. दे हर्ट नाउ. Yeah. So I'm now becoming very careful, like before making friends. How? Like then what do you just see? Not expecting out of friendship, because I'm a very giver person. Like, right. You like told. I now you know, like I'm not supposed to tell this, but like I know the fact that I'll take her out for dinner right now. Hmm. And even though she denies, I will take her out. Yeah. Because I feel like it's my duty now. Because she yeah. Like even she says no and all of that she does, yeah, but I will take her out. That's so nice. But जैसे कि आई वुड से कि अगर आप व्हेन यू आर सीइंग कि अच्छा ठीक है somebody ऐसे अभी लाइक स्पेशली राइट नाउ आई थिंक द ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप्स आई टेल यू या कौन सी फ्रेंडशिप चल देगी जो आप किसी को बदलना नहीं चाह रहे हो कोई भी रिलेशनशिप में right. अगर आप सामने वाले को जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो ना तो वो चलेगा वो टिकेगा बदल आई टेल यू आई गिव एन एग्जांपल somebody हैड मैसिव प्रॉब्लम विद मी बीइंग लाउड ओके ठीक है लाइक चाहनी यू टू लाउड यूर टू लाउड यूर टू लाउड दैट शोज यूर इनसिक्योर यू नो बिहेव लाइक दिस एंड बिहेव लाइक दैट एंड आई वाज लाइक कॉन्स्टेंटली बीइंग टोल्ड राइट सम व्हाट आई डिड आई आस्क फॉर द एडवाइस बट उसके बाद मैं एट अ पॉइंट वाज वेरी अनोइंग बिकॉज आई डिडंट आस्क फॉर इट या एंड फिर नहीं बन रहा था तो फिर वो दोनों साइड से इतना टॉक्सिक हो गया था कि इट वॉज लाइक लेट्स जस्ट नॉट डू दिस लाइक लेट दिस फ्रेंडशिप डजंट मेक सेंस लाइक शी वुड डेलिबरेटली से एवरी टाइम यार थोड़ा सा या मतलब यू नो इट्स And she was like, she's also a very control freak person and she wants everybody around her to be very submissive kind of people. Hmm. So I was like, no. I don't think so. Apne fir wo cut off kara kaise? Like you just... Apne aap. One night... Yeah, nahi. One night we both... Like I am a very like work on relationships kind of a person also. Right. But then I said sorry and she was like, nahi, I don't... I was like, okay, let's... No force. And because I'm also feeling this is very toxic. Right. Right, nice. And again, coming back to this. But I will, like, now the thing is that ki, we have a lot of mutuals. Right. So, initially I was talking to the mutuals. Hmm. But then I felt like my mental health is getting affected. So, I stepped back from mutuals also. So, I'm like enjoying my... मतलब अब वो सर्कल से ही बाहर हो हाँ बहुत बाहर हो गई बहुत बाहर हो गई हूँ nice. अब मुझे उसमें बहुत शांति और पीस मिल रहा है आपको फिर बट वेन यू विल फील फोमो व्हेन यू नॉट एंजॉयिंग योर ओन कंपनी या मैं यही पूछने वाली थी कि डू यू लाइक फील लोनली बिकॉज़ ऑफ यू विल ओनली फील दैट आई डिड फील दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड आई यूज़्ड टू टेल एवरीबॉडी यहाँ क्यों ऐसे हो रहा है मुझे क्यों नहीं हो रहा है बट नाउ आई फील वेरी आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई सेल्फ एंड म्यूजिक जस्ट स्टार्ट Just dedicate yourself to music and see the change that you will see. Yeah, is very I noticed beautiful. Like when you were coming, tab bhi kuch music chal raha tha. I cannot live without music. I get up and I just tell Alexa, play this song. I cannot wake up without music. I cannot sleep without music. And when you are too much in love with music, matlab kya hota hai na ki bachcha shuru se rhythm mein hi rehta hai. Bachche ki heartbeat uska sabse pehla rhythm hota hai. Yeah. Dha. Right. Hai na? To hum कहीं ना कहीं हर चीज में एक धुन है right. अगर हम देखने जाएं तो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज टॉक कि आई लव ओनली टू पीपल दैट आर डॉक्टर्स एंड म्यूजिशियंस बिकॉज दे बोथ आर माय फेवरेट हीलर्स एंड आई हैव अ मैसिव क्रश ऑन दर्शन रावल लाइक आई एम लाइक डाई हार्ड फैन ऑफ दर्शन सिंस 2016 अगेन या आई लव दर्शन रावल आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद हिम आल्सो आई लव अरमान मलिक यू लव अरमान मलिक डैम बट ही इज गेटिंग मैरिड आई नो दैट So I'm very obsessed with Darshan Rawal. I love. I just keep sometimes you know every new song I promote as if it's my song. अभी उसका गाना है like वो तू है response है respond किया उसने मैंने एक बार बात करी so when I was taking interview for Darshan Rawal I was specifically told do not fangirl you will not take this yeah but then I was just looking at him and smiling I was like this you know like of course I was asking questions and everything but I was just smiling and then end mein I did little mimicry also for him and then he was laughing. क्या mimicry की थी तब? करी थी ऐसे कि Darshan wants to be called hot. No, see he's like don't call me cute. So I was like okay ठीक है. So I was just doing Darshan is hot. अच्छा. In Alia's voice. अच्छा. That's really cool. Yeah. But I think I find him very adorable. I think he's really really hot. Shout out. Darshan Rawal. Darshan Rawal. I want to marry Darshan Rawal. Music ka sahara lijiye. You will fall in love with yourself once you are addicted to music. Trust me.
जस्ट It gives you so much peace. What does your playlist look like? My playlist is mix of everything. My day starts with I am the best. Who says you're not perfect? Chand Tare Tod Laun. Hum Aana Is Duniya Ki Hu Hi Nahi. Main Apni Hi Duniya Banaungi. Kudi Nu Nachne De. That is my morning playlist. Yeah. Dheere 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 din bitta hai. To meri playlist aati hai. Premi Gaane Pyar Se Jo Gaya Diya. Us vibe mein jaati hai. Yeah. फिर देन थोड़ा सा और या फिर सुबह अर्ली और अर्ली मॉर्निंग है तो देन आई गो फॉर तुम ही देखो ना ये क्या हो गया वाइब कि दिन में हुई कैसे चांदनी चांदनी अगेन शाम को मिड शाम को आई वांट आइटम सॉन्ग्स लाइक फेविकॉल से शीला की जवानी एंड ऑल ऑफ दैट टू पंप माय एनर्जी बिकॉज एनर्जी कम्स फ्रॉम म्यूजिक देन जिम प्लेलिस्ट माय जिम प्लेलिस्ट is all tapori dance songs there's a bollywood tapori dance mashup on youtube it's got all these typical songs like ekdam ek do din jarwan aisa wala songs what is that song tatatatat also that this one malhar malari ranveer singh that song right very one ranveer singh energy but sham ko I want like peelu तेरे नहीं लेट शाम थोड़ा सा हाँ लेट शाम को देन आई एंड विद अजिया कुन फाया कुन एंड देन फिर और थोड़ा सा लेट रात में आई लिसन टू पाकिजा सॉन्ग्स या फिर लाइक वेरी वेरी लाइक इन आँखों की मस्ती चलते चलते इस टाइप के गाने लाइक इट देयर इज अ प्रॉपर फ्लो ऑफ एनर्जी दैट आई मेंटेन एंड इफ एनीबडी कम्स इन बिटवीन ऑफ दिस म्यूजिक यू आर गॉन You are gone. If you वो मेरे घर वालों को बहुत ही क्लियरली बताया हुआ है कि म्यूजिक के बीच में एलेक्सा को कोई पॉज और स्टॉप नहीं बोलता मेरे अलावा नॉट अलाउड इट्स नॉट अलाउड इन माई हाउस नाइस एंड सो व्हेन यू हैव अ प्लेलिस्ट सेट आप ऐसे पूरा दिन वाइब अगर करते हो या I was saying background में काम होता है अच्छा background में भी फिर आप main is गाना काम background nice that's nice but again I do work in a very हंसते खेलते में अभी मैं जाऊंगी यहाँ से meeting लेते हुए जाऊंगी हाँ ठीक है मीटिंग लेते जाऊंगी एडिटर को कॉल करूंगी क्या क्या करना है सब आई एम वेरी ऑन द गो आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग बर्न आउट नहीं होता इससे बिल्कुल नहीं आई लव इट मैं जिस दिन मेरे पास काम नहीं है उस दिन मैं बर्न आउट हो जाती हूं लाइक डोंट यू फील लाइक यार अभी लाइक आई आज का दिन आई चिल नहीं होता मुझसे नहीं होता होता ही नहीं है I'll end up is it I'll end up calling them and I'll do like परेशान them only then why is this not happening why is it wrong not this way but like in a better way मतलब yeah but like is it because I'm very workaholic I don't know it's not a good thing the love for the art it's the love for the art it's not workaholic also that's not a right word for me yeah I have immense love for what I do right I love it I wake up to this I love waking up and changing my voice in fact my waking up and changing voice is a routine I'll wake up I'm a huge PDA person when it comes to showing the love to my mom I'll constantly like I'm hugging her and kissing her she doesn't like that she hates it specifically in public she's like please don't do this but I can't help but just love her so cute yeah I just and morning I like wake up like a kid it's a very kid voice kid energy And I will go and like, you know, like a cub, I'll just do this and like, I love you and like, ooh, like love me back. Yeah. Like very like golden retriever. Yeah, energy, yeah, like, yeah. Love me back. Mama, please love me back. Mama, please love me. Like I do this. Yeah. Then she loved me for a while and then she like, bas ho gaya abhi. Yeah, so that is she my... Love me. Na, wo kitna na, abhi kaam meko, bhai, jaane bhi do, yahan baithi gaya aap to, matlab. Haan. पीछे पड़ गए कोई काम वाम करूँगी नहीं मैं खाना वाना बनाऊँ कि नहीं राइट एंड फिर उसके बाद हाँ आई वाज सेइंग कि आई हैव सीन योर स्टोरीज यू आर यू नो सिंगिंग अ लॉट एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द म्यूजिक थिंग योर लव फॉर म्यूजिक सो डू यू ट्राई कि यार मेरे को थोड़ा सा आई वांट टू गो इनटू सिंगिंग आल्सो वॉइस तो आप इतना अच्छा कर ही लेते हैं मुझे ना उसको प्रोफेशन नहीं बनाना एक चीज मुझे सिर्फ अपने पैशन के लिए रखनी है हॉबी के लिए रखनी है मुझे उससे वो नहीं करना है उसे डालना नहीं है मतलब ठीक है एक हाथ कोई डाल दिया मैंने केसरिया का कवर डाला था पर रैंडमली कर दिया ठीक है बट आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक प्रॉपर एज अ प्रोफेशन बिकॉज फिर एक चीज तो आपके लिए रहनी चाहिए ना दैट्स ट्रू सभी आपने वो बना दिया तो फिर क्या है हर चीज मोनेटाइज नहीं करनी यार एक दो चीजें रहने तो जो आप अपने पास रखो एज एन आर्टिस्ट नाइस हर चीज में पैसा जोड़ दोगे ना तो फिर बहुत मुश्किल होगी नई चीज ढूंढने में
आप कभी ऐसा देखते हो कि व्हेन यू आर सीइंग समबडीज कंटेंट यू आर लाइक कि अरे यार ये मेरे को भी ट्राई करने का मन है, ऐसा करते हो? आपका भी मन करता है लाइक इफ फॉर एग्जांपल यू वाचिंग अ पॉडकास्ट लाइक यार मेरे को भी करना है पॉडकास्ट? पॉडकास्ट हमारा डिस्कशन चल रहा है. ओह नाइस, ऑलरेडी चल रहा है हमारा डिस्कशन पॉडकास्ट. कुछ और ऐसे कंटेंट पीस लाइक फॉर एग्जांपल व्हेनेवर आई सी समथिंग वेरी या इवन दो इफ इट्स नॉट गोइंग विद माय वाइब आई डू दैट. आई जस्ट आई एम वेरी इंपल्सिव पर्सन, आई टेक डिसीजंस वेरी इंपल्सिव वे. तो मैं ऑन स्पॉट लगा तुरंत आई एम लाइक ये सही लग रहा है कर लेते हैं. इट्स लाइक यू टेल योर ब्रेन शुड आई डू दिस, देन योर ब्रेन विल गिव यू टू ऑप्शन येस और नो. आस्क योर ब्रेन हाउ डू आई डू दिस, देन योर ब्रेन विल फिगर आउट वेज टू डू इट. इज वॉट यू फीड इन योर ब्रेन नो इज वॉट यू विल गेट द आंसर्स फ्रॉम योर ब्रेन. नाइस, कि येस बोला तो वो येस के अराउंड वो सॉल्यूशंस निकालेगा. सिंपल. अगर आप सोच ही रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाओगे यार. मैं पास कैसे हो सकती हूँ? सिंपल, एज सिंपल एज दैट. नाइस यार. Me completing 5 years of law without ATKT is like a dream. I can't believe I did this. Like I still feel like this is my biggest achievement. मेरे को लोग कहते हैं कि आपने घर ली गाड़ी ली, that is मैंने कहा नहीं नहीं भाई मैंने 5 साल law किया, that is my biggest achievement. I don't know how I did it. I still don't know. Yeah, who wrote the papers? I feel like 5 साल का commitment था वो. End number of panic attacks. आई कैन इमेजिन. मैंने भी जबरदस्ती डिजाइन किया था, मतलब दैट्स वेरी डिफरेंट, बट अगेन इट वॉज नॉट समथिंग आई वॉन्टेड टू डू. तो हाँ 4 साल, बट ठीक है. एनी वे, बट या आई थिंक वी गॉट वे टू मच कॉन्टेंट. या आई थिंक शी लव द एडिट. या आई थिंक एट दिस आई थिंक वी कैन एंड दिस पॉडकास्ट. बट मतलब मैं तो और बातें कर सकती हूँ, बट पार्ट टू के लिए आई थिंक इट्स बेटर वी कीप समथिंग, क्योंकि आज हमें काफी इसमें पार्ट 4 बन जाएंगे. हाँ इसमें 4 बन जाएंगे. बट इट वॉज वेरी फन यार, बहुत मजा आया. सेम हियर, इट वाज सो मच फन. या सो आई एम सिटिंग इन वेरी ईज वे में एकदम आराम से, चिल रिलैक्स. एसी की कमी थी बस, बट So if you're listening this on like, share and subscribe, please कर लेना. बदमाश बातें, बदमाश बातें guys. एक कुछ अच्छी सी आवाज में आप ऐसे बदमाश बदमाश बातें guys subscribe.